व्यूअर्स, आज ये आप देखें, हम आपके सामने आपको एक रेमेडी बता रहे हैं जिसमें आपको ये एक वाइट पाउडर नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पाउडर का हम मसाज करेंगे लेमन के साथ। अब और बीच में इंग्रेडिएंट जो हैं वो हम बताएंगे कि ये पाउडर क्या है। आप देखें, ये हमने लेमन को हाफ़ कर लिया है। अब लेमन को इसमें हमने ऐसा किया, ये देखें, इसको हमने यूज़ किया ये, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पर अपने आर्म पर हम लगाएंगे इस तरीके से। आप फेशियल स्टाइल में इसे राउंड मूव करते रहें। राउंडेड जो हमने आपको तरीका बताया है वैसे राउंडेड मूव करते रहें, और ज़्यादातर इसकी मूवमेंट आप कहाँ करेंगे, यहाँ जहाँ से हमारी थोड़ी डेड स्किन और थोड़ी डार्क स्किन होती है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से डर्म हमारा स्किन जो है थोड़ा सा हार्ड होता है, तो हार्ड होने की वजह से कुदरती उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होता है। आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो उससे इसका कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। इवन ये कि आप इसको अगर नेल्स पर इस्तेमाल करते हैं तो नेल्स में से सारा जो मैल होगा वो निकल जाएगा, नेल्स बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आप देखें, बिल्कुल ये हम आहिस्ता आहिस्ता इसको मूव कर रहे हैं और इसकी मूवमेंट से अंदर तक से जो मैल मसाज होगा वो निकल जाएगा। ये आप अपने फेस पर भी कर सकते हैं, अभी हम आपको यहाँ हैंड पर करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप पहले इसे हैंड पर ही करेंगे, हैंड्स पर करेंगे और इसी तरीके से अपने फिट पर करेंगे, आर्म पर करेंगे, और उसके बाद आप अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह ताला आपको जब यहाँ रिज़ल्ट अच्छा मिल जाएगा तो उसके बाद आप अपने फेस को टच कीजिएगा। नोज़ के जो ब्लैक हेड्स हैं वो इससे चले जाएंगे, स्किन में जो मैल होगा, कचरा होगा, वो सब इससे निकल जाएगा। आप देखिए, अभी हम इसको रख रहे हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ थोड़ा सा ये पाउडर डाल दें, पाउडर डाल के, और जैसा कि हमने आपको फेशियल स्टाइल पर सिखा रखा है, आप इस तरीके से ये मूव करते जाएंगे। देखिए, आप फिंगर टिप्स के साथ इसे मूव करेंगे और फिंगर टिप्स से ये मूव करके आप ये मूवमेंट कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू रखने से आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, साफ शफाफ हो जाएगी और आप हैरान रह जाएंगे। ये जो पाउडर है इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की टेंडेंसी है टू रिमूव द, हम क्या कहेंगे, टू रिमूव द ऑयल, टू रिमूव द पिम्पल्स एंड अदर एक्नीज एट्सेट्रा फ्रॉम द स्किन, ठीक है। ये देखिए, इसमें अब ये मैल जो होगा कहीं वो भी उगल उगल के आ जाएगा बाहर। और ये देखिए, अभी हम थोड़ा स्लो कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। अपने फेस पर आप इसे आराम आराम से मसाज करेंगे, हफ्ते में 2 मरतबा मसाज कर लें, और ख़ास तौर पर मैनीक्योर पेडीक्योर में तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। यहाँ देखिए आप, यहाँ इसको इस तरीके से ना मूवमेंट इसकी ज़्यादा रखेंगे, यहाँ भी आगे, और मज़ीद फिंगर्स पर भी और नेल्स पर भी आपने इसकी मूवमेंट रखनी है। अब ये देखें इस तरीके से, इसके बाद आप थोड़ी देर इसको यहीं पर छोड़ दें, फिर नीम गर्म पानी से हाथ को धो लें। नीम गर्म पानी नहीं तो नॉर्मल सा पानी, जो टैंकी का आजकल तो वैसे ही गर्म पानी होता है, उससे आप हाथ धो लें। ज़्यादा गर्म पानी मीन्स उससे अपना फेस वॉश कर लें, थोड़ा ज़्यादा गर्म ना हो, थोड़ा नॉर्मल सा ही हो, ऐसा हो जिससे कि आप अपना फेस वॉश कर लें। आप देखें इस तरीके से, आप जो है इसके, अब हम आपको फ़वाद बताएंगे, इसके यूज़ करने का तरीक़ाकार बताएंगे। आप ये ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस लेमन को स्क्वेज आउट कर सकते हैं, इसके जूस को, और स्क्वेज आउट करके दूसरे किसी आप बाउल में ले सकते हैं, और बाउल में ले लेंगे तो आप बाउल में लेने के बाद क्या है, इसको आप आसानी से इसमें ये डाल देंगे पाउडर, तो आपका तब भी ये काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। आप देखें, अगर हम यहाँ पर ये लीमू का, ये देखें, हमने लीमू का ये अरक इसमें स्क्वेज आउट कर लिया, निकाल लिया है, ठीक है। लेमन का ये जूस हमने निकाल लिया है, लेमन जूस को आप यूज़ करेंगे, और लेमन जूस में आप इसको ऐड करके, दूसरा इसका ये मेथड है, आप देखें, ये हमने ऐड किया इसमें, ऐड करके, और हमने ये पेस्ट प्रिपेयर कर लिया है, ये देखें ये पेस्ट है। अब आप इस पेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस पेस्ट को उसी फेशियल स्टाइल में उसी तरीके से यूज़ करें। पेस्ट की थिकनेस और बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, पेस्ट की थिकनेस बढ़ा के उसी फेशियल स्टाइल में आपने इसे यूज़ करना है, और हैंड पर इस तरीके से आपने यूज़ करना है कि ये देखें, ये आपने फिंगर टिप से यहाँ से ये लिया, और ये देखें, ये आप इस तरीके से ये यूज़ करेंगे। लेमन के साथ यूज़ कर लें, लेमन के साथ नहीं तो आप ये फिंगर टिप्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो, अगर आपको थिकनेस चाहिए तो आप थोड़ा सा इसमें फ्लोर ऐड कर लें,
जो आटा है वो ऐड कर लें थोड़ा सा, तो ये और थोड़ा सा ऐसे थिकनेस हो जाएगी इसकी, वैसे अदरवाइज़ ये ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। और आपके कम्प्लेक्शन, आपके हाथों का, आपके चेहरे का, जहाँ जहाँ आप लगाएंगी रंग बिल्कुल फेयर हो जाएगा, बहुत साफ़ नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और हमने आपको बताया कि हफ्ते में इसको 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, और बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप देखिए हमने यहाँ से यूँ किया इसको, और मज़ीद इसके ऊपर हमने ये पाउडर लगा के थोड़ा मसाज किया, फिर हमने ये पाउडर लगा के इसके ऊपर हमने छोड़ दिया। बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आपने ये करना है, ये पाउडर लगाया, थोड़ा सा थिक मीन्स ऐसा हो जाए, इसकी लेयर हो जाए। देखिए हमने थोड़ा इसको वेट किया और ये हमने इसको छोड़ दिया। अब इसको ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट के लिए इसको छोड़ें। 6-7 मिनट के लिए छोड़ के आपको एक तो अपनी स्किन की ये भी पता चल जाएगा कि उसकी टेंडेंसी कितनी है, कैसी है आपकी स्किन, बहुत सेंसिटिव तो नहीं। इसके बाद आप इसको वॉश कर लेंगी, डायरेक्ट आप इसको वॉश कर लें वाटर से, नॉर्मल वाटर से, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका रहेगा। नाउ व्यूअर्स, दिस मिक्सचर इज़ यूज्ड फॉर रिमूव द हार्ड स्किन एंड रिमूव द मार्क ऑफ इंजरी ऑन द स्किन। व्यूअर्स, इसमें ये है कि हमने जो ये बनाया सॉल्यूशन, ये क्या करता है, ये अगर आपके पैरों पर, पैरों के टो पर खेलने की वजह से या शू टाइट पहनने की वजह से कोई मार्क आ जाता है, कोई निशानात आ जाते हैं, उनको दूर करता है। जैसे निशानात होते हैं, हार्ड स्किन होती है हमारे टखनों पर होती है, घुटनों पर होती है, हमारी कोनियों पर होती है, तो इस हार्ड स्किन को भी ये वॉश कर देगा, सही कर देगा। मीन्स इट हेल्प टू रिमूव द डेड सेल ड्यू टू द लेमन, बिकॉज लेमन हैविंग द एसिडिटी, यानी कि लीमू में जो एसिडिटी है उसकी वजह से ये क्या करेगा, ये इसको रिमूव कर देगा। और अमूमन क्या होता है, कोई इंजरी होने की वजह से या कोई फ्रिक्शन यानी रगड़ लग जाती है उसकी वजह से, या शूज़ के प्रेशर की वजह से, या और कोई काज होगा जिसकी वजह से आपके पैरों के ऊपर, आपके जो फिंगर्स के दरमियान के हिस्से हैं जहाँ लाइनें डार्क होती हैं, वहाँ पर पैचेस पड़ जाते हैं, उन पैचेस को भी ये दूर कर देगा। यानी ये बहुत ही बेनिफिशियल है जो हमने आपको मिक्सचर बताया है, ये आपके हाथों को, पाँव को, आपके स्किन को, आपके फेस को बहुत अच्छा कर देगा। इवन ये कि नोज़ पर जो ब्लैक्स हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, जो रफेज आ जाती है, और जो फेस पर थोड़े क्रैक आ जाते हैं, फीट पर थोड़े क्रैक आ जाएंगे, स्किन पर कहीं भी क्रैक आ जाएंगे, उन सबको ये दूर करेगा, हार्ड स्किन को सॉफ्ट में तब्दील कर देगा, और वो और भी उसको खूबसूरत कर देगा। तो आप जो एथलेटिक्स हैं, जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, जो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, हर एक इसको यूज़ कर सकता है। जो फुटबॉल खेलने के लिए आप शू पहन के जाते हैं तो पैरों पर निशान पड़ जाते हैं, वो इससे दूर हो जाएंगे। हाथों के निशानात, कोई काम करते हैं आप तो हाथों के निशानात दूर हो, इस पर जो पड़ेंगे वो ये दूर कर देगा। जैसे कैंची है, कैंची को पकड़ने से, कंटिन्यू इस्तेमाल करने से हाथों पर मार्क आ जाता है, वो मार्क भी ये दूर कर देगा। यानी ये कि ये हर एक का फ़ायदा पहुँचाता है, हर कोई भी मार्क हो उसमें फ़ायदा पहुँचाएगा ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है। और जो इंग्रेडिएंट है इसके हमने आपको बता दिए हैं, इसका बेकिंग सोडा है, और ये देखिए लेमन है। लेमन को हमने आपको बताया, सहूलत है कि लेमन में अगर आप इसको डिप कर लेते हैं, इसको सोडे को डिप करते हैं, यानी लेमन को सोडे में डिप करके, और अगर आप अपनी स्किन के ऊपर इसे मसाज करते हैं, फेस पर मसाज करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, और किसी सूरत भी ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो आपने इसका लाजमी इस्तेमाल करना है। अब मज़ीद हम बेनिफिट्स इसके आपको बताते हैं कि मज़ीद और क्या हैं इसके बेनिफिट्स, यानी हेल्थ के हिसाब से और अदर बेनिफिट्स इसके क्या हैं, वो हम आपको बताएंगे ताकि आप इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने जो मसाज किया है, हमने एक पाउडर लिया था, अब हम आपको बता रहे हैं ये पाउडर दरअसल क्या है। ये पाउडर बेकिंग सोडा है, और बेकिंग सोडे में बहुत ज़्यादा खसूसियात है। ये हमने इसको फ्रेंड क्यों कहा है कि ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, उसके अलावा भी बहुत इसके फ़ायदे हैं। बेकिंग सोडा रिड्यूस द इन्फ्लामेशन ऑन द स्किन एंड लोअर द चांसेस टू डेवलपिंग द एक्नीज एंड द पिंपल्स। इट्स एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हेल्प प्रिवेंट द ब्रेकआउट ऑफ स्किन एंड नोन एज द पॉपुलर क्लिनजिंग एजेंट। बेकिंग सोडा बेनिफिशियल फॉर अस एंड बेनिफिट टू डार्क लिप्स एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर रिमूविंग द डार्कनेस ऑफ द लिप्स एंड लिप्स आर कन्वर्ट इन टू पिंकिश। ऑल यू नीड द डू टू एड द हनी एंड द बेकिंग सोडा टूगेदर मिक्स एंड द लेमन एंड द बेकिंग सोडा टूगेदर मिक्स देन द बेनिफिट्स आर इंक्रीजेज।
Now the benefits of baking soda to fight acne instead of it. It is very beneficial for our teeth. It brightens our yellow teeth into white teeth, means convert the teeth into white teeth, improve our skin complexion dark to light, means fairness of the color is depend upon it, and relieve the sunburn, and instead of it, it stain the nails, and the yellow nail turn into white nails, and it treated the smelly oily hairs, and it is used for the treatment of the bad odor of the body, and remove the dandruff from the skin, dandruff from the hairs, means it is very beneficial for us. Now after skin and instead of the skin, it having the too much benefits for cleansing of the washroom, cleansing of tub, cleansing of the jewelry. यानी कि ये क्या करता है, अगर आपने जेवर धोना है अपना, तो आप अपने जेवर को हाथ में लेके लेमन और बेकिंग सोडा लगा के उस पर रब करें, वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे न्यू अभी आपका जेवर बना है. और क्या करेगा ये, रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, डर्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है. किचन में जैसे हमारी स्लैब्स हैं गंदे हो जाते हैं, उन पर ऑयल जो है उसकी वजह से थोड़ी डार्कनेस आ जाती है, वहाँ भी आप अगर बेकिंग सोडा डालेंगे, गर्म पानी में बेकिंग सोडा डाल के वहाँ पर डाल दें, तो उससे वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा. थोड़ा सा लेमन भी डाल लें उसके अंदर, नहीं तो विनीगर सिरका होगा वो डाल लें, बेकिंग सोडा डाल लें, थोड़ा सा पानी डाल लें. आप वॉशरूम की टाइल्स के ऊपर भी डाल सकती हैं, यानी कि ये बाहर सूरत बहुत ही अच्छा कर देता है. क्लिनजिंग फ्लोर को आप कर सकती हैं, अपने डिशों को इससे वॉश कर सकती हैं, और आप इसके अलावा जो है घर की बैटरीज़ को क्लीन कर सकती हैं, अपनी मोटरसाइकिल को साफ़ कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी को, कार को साफ़ कर सकते हैं. मीन्स ये कि जिस जहाँ भी सफाई की ज़रूरत है साफ़ सुथरे की, आप इसको सफाई में यूज़ कर सकती हैं. और अगर आपने इनको इंसेक्ट्स को दूर करना है, और जो कॉकरोच होते हैं आपने किचन में से उसको दूर करना है, तब भी आप इसके अंदर बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडे के अंदर आप थोड़ा सा वो डाल लेंगे, सिरका डाल लेंगे, विनीगर और पानी, उसको ऐड करके वहाँ पर डाल दें, और बाद में वहाँ से साफ़ कर लें, तो बहुत ही साफ़ सुथरा हो जाएगा. ये अल्कलाइन इन नेचर होता है. और अगर आपने दांतों को सफ़ेद करना है, तो अपने टूथपेस्ट को थोड़ा सा किसी कप में लें, बर्तन में या चम्मच में लें, टूथपेस्ट के अंदर थोड़ा मीठा सोडा डालें और उसको मिक्स कर लें, और फिर आप अपने दांतों पर लगाएं, तो उससे आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद चमकदार हो जाएंगे. और ये बेनिफिट भी देगा, ये नहीं कि नुकसानदेह है, ये बेनिफिशियल भी है. इसके अलावा अगर हम जैसे छोले बनाते हैं, चने बनाते हैं, उसमें जो मीठा सोडा डालते हैं, तो यकीनन वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है ना, तो इंटेस्टाइन को भी ये वाश करता है. मीन्स कहीं से भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये नुकसानदेह है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. इसके अलावा जो पैरों के नाखून हैं, हाथों के नाखून हैं, पैरों के नाखून अमूमन लोगों के गंदे हो जाते हैं, उनमें मैल आ जाता है. आप थोड़ा सा नॉर्मल किस्म का, इतना जो आप बियर एबिलो आपके गर्म पानी लें, उसमें आप 2-3 चम्मच मीठा सोडा डालें, थोड़ा सा शैम्पू डालें, हाइड्रोजन परऑक्साइड वगैरह डाल के, या कुछ भी अगर नहीं डालते हैं तो सिंपल मीठा सोडा और थोड़ा सिरका डाल के पैर उसमें डबो के आप छोड़ दें 10-15 मिनट, फिर वो टूथब्रश लेके उससे आप पैरों के नाखूनों को साफ़ करेंगे, तो आपके नेल्स बिल्कुल चमक जाएंगे और सारा उसके अंदर जो मैल होगा वो निकल जाएगा. इसके अलावा इवन ये कि आप इसका पानी बना के आप शूज़ को भी जो है वो साफ़ कर सकते हैं. इसके अलावा ये अगर हम खाने में कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जानते हैं ये अल्सर को दूर करता है, अंदर अगर कहीं ऐसा हो गया कोई प्रॉब्लम तो उसको दूर करता है ये. और सन बर्न का हम आपको बता चुके हैं, हेयर क्लिंसर करता है, फीट को इची स्किन अगर होती है उससे भी ये रिलीफ देता है. इची स्किन है यानी स्किन पर अगर कहीं ख़ारिश हो रही है आपको, तो उससे भी ये रिलीफ देगा, रिलैक्स मिलेगा आपको. मीन्स ये कि इसीलिए हमने इसको फ्रेंड कहा, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा. और व्यूअर, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपने चैनल को लाइक अभी तक नहीं किया वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो बहुत अच्छी है, हर एक इससे फ़ायदा उठाए. आजकल सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं वीडियोज़ में, मीठे सोडे का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये कि आप इसको पानी में डाल के, एक अगर टब में पानी आपने डाला 3-4 लीटर पानी, उसमें मुट्ठी भर के आप मीठा सोडा डाल के छोड़ दें, उसमें जो भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, कोई भी चीज़ है, टमाटर हैं, टमाटोज, जो भी चीज़ है उसमें थोड़ी देर छोड़ दें, उससे धो लें. आजकल जो वायरस फैला हुआ है, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, उसको अंदर तक से साफ़ कर देगा. उस पानी को फिर रखा रहने दें,
या आपको नीड के मुताबिक थोड़ा सा 2 चम्मच डाल लें इतना पानी के, उसमें कोई वेजिटेबल जो आप वाश कर रहे हैं वो डिप हो जाए। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए उसमें छोड़ दें 15-20 मिनट, फिर उसको उससे धो लें। तो ये इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप लाजमी इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और आप कमेंट कीजिएगा, आपको इसके बाद कोई वीडियो की अगर नीड है तो आप बताइएगा, हम आपको बताएंगे कि आपने दोबारा जो आप कहेंगे हम उस तरीके से दूसरी वीडियो बना लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ओके।